मस्त वेदर हो रखा है. मोटिवेटिंग स्टोरी अबाउट दिस मैन. सो हम लोग पकोड़े लेक पहुंच चुके हैं. हम आए हैं स्पाइसेस गार्डन घूमने. ये देखो, ये है बनासुरा सागर डैम. गुड मॉर्निंग. उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे एंड यू वुड बी हैविंग अ वंडरफुल डे. सो आर वी हियर, है ना. तो आज डे टू है. आज का प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मोस्टली हम लोग जाएंगे, कुछ कुछ जगह घूमेंगे और जो भी क्लोज लोकेशन है, प्रॉक्स लोकेशन है, हम वो सारी जगह को एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए फटाफट, इट्स टाइम फॉर माई टी, है ना. चाय पी के फटाफट रेडी होंगे और फिर घूम के आएंगे. By the way, ये ब्यूटिफुल सा व्यू, एकदम अर्ली मॉर्निंग व्यू आपको दे रही हूँ अपने बालकनी से. देखो कैसे आसमान नीचे उतर आया है पहाड़ों पर. ये ब्यूटिफुल सा जंगल एकदम हम लोगों के रूम के सामने है एंड ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल है. सो हम नहा के रेडी हो चुके हैं और टाइम हो रहा कुछ 9 बजे के आसपास. तो हम फटाफट जाएंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट ग्रैब करेंगे. हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और घूमने निकलेंगे, है ना. सो मिस्टर डी के इज रेडी, विवान इज रेडी, सो लेट्स गो. फूड इज अमेजिंग, ब्रेकफास्ट मजा आ रहा है खा के, एकदम टेस्टी सांबर इडली, एवरीथिंग एवरीथिंग इज अप टू द मार्क. तो हम लोग निकल चुके हैं वायनाड घूमने. आज हम कुछ फटाफट 3-4 लोकेशन घूमेंगे और फिर वापस जाएंगे. देखो आगे विजिबिलिटी ही नहीं है, इतनी अमेजिंग सी है. लकड़ी व्यू पॉइंट करके जगह है, वहां जा रहे हैं एंड देखते हैं कुछ हमें दिखता भी है या फिर सिर्फ मिस्टी मिस्टी सारी चीजें दिखती हैं. बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है. वाइट वाइट बैकग्राउंड पीछे में. जी हाँ, ये वाइट बैकग्राउंड नहीं है, एक्चुअली वे मिस्ट कवर्ड है. इस जगह का नाम लकड़ी व्यू पॉइंट है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये सामने वो पहाड़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना. और यहाँ काफी सारे टूरिस्ट जो कि स्नैप ले रहे हैं. देखिए कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ नीचे में दिख रहा है. देखो नीचे नीचे तक ये है, पेड़ है. और मैं शूट कर रही हूँ, पूरा ऐसा लग रहा है ना कि हम आसमान के बीच में चल रहे हैं यार. इट फील सो गुड, सो अमेजिंग. देखो मस्त है, मस्त वेदर हो रखा है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है ना, जो बोलते ना जन्नत में आके, जन्नत में. सो नेक्स्ट हम जा रहे पुकड़ लेक और लकड़ी व्यू पॉइंट अमेजिंग रहा यार. मतलब ऐसा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा मिस्ट मिस्ट था. एंड नेक्स्ट इज पुकड़ लेक. तो चलिए देखते हैं कैसा है, हाउ इज इट. आई एम श्योर वो भी काफ़ी खूबसूरत ही होगा. वाई नॉट केरला, यू आर सो ब्यूटिफुल. मतलब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस. मोटिवेटिंग स्टोरी अबाउट दिस मैन, इट्स रिटन हियर. एक्चुअली ना इनकी स्टोरी ये है कि इन्होंने ना स्पाइसेस वगैरह नीचे ले जाने के लिए ब्रिटिशर्स को रास्ता दिखाया था कैलिकट जाने का, लेकिन रास्ता तो उन्हें मिल गया. एज यूजुअल ब्रिटिशर्स, व्हाट दे डिड इज कि दे किल्ड हिम आफ्टर नोइंग एवरीथिंग. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस मैन. सो वेयर द ब्रिटिशर्स, ग्लैड हम लोग उनके रूल्ड इंडिया में नहीं है यार. हैट्स ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर्स. सो हम लोग पकोड़े लेक पहुंच चुके हैं एंड मैं आपको एक लेक का व्यू देती हूँ. काफ़ी खूबसूरत है. बोटिंग वोटिंग हो रही आज यार, क्राउड बहुत ज़्यादा है. आई थिंक इट्स अ सैटरडे तो वो लेकर के क्राउड काफ़ी है, लेकिन अच्छा लग रहा है. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन, सुंदर सी जगह है. तो चलो फटाफट मैं आपको एक लेक का व्यू देती हूँ. लोग बोटिंग कर रहे हैं. See? यहाँ पे बोटिंग वगैरह अगर आपको करना है तो आप क्यू में लग के आराम से बोटिंग कर सकते हो. इट्स ब्यूटिफुल.
है ना, एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इस जगह का। काफी भीड़ भाड़ है आज, लेकिन एकदम ग्रीनरी और लेक एक साथ, ब्यूटिफुल। सी मिस्ट के बीच में लेक, लेक में बोटिंग, सब बोटिंग कर रहे हैं। देखो उधर ग्रीनरी बिल्कुल मिस्ट में छुपी हुई, एंड इट लुक्स सो सीरीन एंड काम, है ना। तो देर किस बात की यार, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो देख देख के यूं न जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का हिट करो। हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इतनी ही विजुअल रिट्रीट के साथ आपके लिए अवेलेबल रहेगी। यार मज़ा आ रहा है इसको देख करके, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बना रखा है एक एक्वेरियम देखिए। सो गेस व्हाट, हमने शॉपिंग की है कुछ अमेजिंग से, और मैंने ये लिया स्लिंग बैग, नाइस है ना, सी सी, तो ये ले लिया, एंड विवान का टॉयज एज यूजुअल। तो बस पुकटे लेक से ही हमने ये शॉपिंग कर ली, लेक काफी सुंदर था, मिस्टी था, काफी ब्यूटीफुल था। अब देखते हैं नेक्स्ट भैया किधर लेकर जाते हैं हमें घुमाने। हम आए हैं स्पाइसेस गार्डन घूमने, एंड केरला आए यार स्पाइसेस और आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ नहीं देखा, तो क्या खाक देखा। तो बस जा रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कैसी है। ऑब्वियसली नेचुरल स्पाइसेस एंड ऑल सेंटेड होता होगा ना, कितना देखती हूँ जा करके, एक्सप्लोर करती हूँ और आपको बताऊँगी कैसा है। सो यहाँ पे बेसिकली ना आपको टूरिस्ट गाइड भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और कुछ पर पर्सन 100 रुपीज़ दे चार्ज, और आपको वो पूरा गार्डन का ओवरव्यू दे देंगे एंड एक्सप्लेन भी कर देंगे कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। जो फ्रूट आपको दिख रहा है, हमने नाम पूछा, इन्होंने बताया पैशन फ्रूट इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट। सो ये इलायची का फ्लावर है, कितना क्यूट सा लग रहा है, और उसमें देखिए ग्रीन कलर में इलायची भी आपको दिख जाएंगी। तो इसकी बात कर रहे हैं, सारे स्पाइसेस का सेंट जो है इसी में मिल जाता है, कार्डमम हो गया, लेमन हो गया, मस्त है हमारा। अच्छा ये गरम मसाला। सो दिस इज हाउ द फेनल सीड का प्लांट लुक्स लाइक। यार सभी चीजें यहाँ मस्त वाले स्पाइसेस ग्रो होते हैं, मजा आ रहा है मुझे। ये देखिए ये लौंग का प्लांट है, आप देख रहे हो क्लोव लिखा हुआ। सो ये मेल है ये फीमेल है, थोड़ा ऐसा ऐसा लगाना पड़ेगा बराबर। ओह अच्छा अच्छा, दोनों को साइड बाय साइड होना। अच्छा ये रुद्राक्ष का भी पेड़ है, बोल रहे हैं कि 6-7 साल के बाद उसका पहला रुद्राक्ष आता है पेड़ में, उसका एज अ फल आता है। सो काफी वेट करना पड़ता है। अरे देखो कमाल का, ये जैकफ्रूट का ट्री दिखाते हो, ये इंडियन नहीं है बेसिकली, इसका नाम मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे नाम है, एंड सी हाउ थिन द स्टेम इज, एंड ये देखिए कितने सारे फल इसमें लटके हुए, टच गोल्ड। नेचुरल माउथ फ्रेशनर, पेपरमिंट एकदम, मतलब जो आप खरीद के मार्केट से खाते हो ना, उसे 110 times ये बेटर है, आई कैन फील इट। ये जो है ये कॉफी बीन्स है, हाँ ये देखिए कुछ कच्चा होना कैसा है, देखो ऐसा है कॉफी बीन्स, ये पका हुआ है एंड कच्चा वाला का दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ना, ये कच्चा वाला कॉफी बीन्स, तेज पत्ता का पेड़ है ये, और दालचीनी दोनों एक ही से मिलते हैं। अच्छा तेज पत्ता और दालचीनी दोनों एक ही से, वाओ उसका पापा है। हाँ ये चमक है। अच्छा वो कट करके यूज करते हैं ये, नाइस ये दालचीनी, ठीक है। वहाँ पे देखिए रेड सैंडल वुड का भी प्लांट है, और उसके बगल में कैम्फर कपूर जिसको बोलते हैं, उसका लीव भी ला रहे हैं मेरे लिए टेस्ट कर दे, टेस्ट नहीं स्मेल।
हाँ एकदम कपसेंट ऐसी कुछ लीव है, देखिए उसकी लीव्स, मगर वाओ। ये हिंगा पेड़ है बेसिकली, ये जो फ्लावर्स दिख, ये लीव्स दिख रहे हैं ना, ये मत जाना, मैं आपको फोटो उठाए, अच्छा जगह ये हिंग, आ हा हा एकदम हिंग है भाई का शॉप था जो स्पाइस गार्डन। हम अभी घूमे हैं, हमने काफी सारी स्पाइसेस की शॉपिंग भी करी है यार, सब कुछ का एरोमा इतना अच्छा था, इतना नेचुरल था। ये स्पाइसेस गार्डन तो काफी मजेदार था यार, मतलब इतना सब चीज में एरोमा इतना नेचुरल, बहुत अच्छा लगा। हमने काफी सारी चीजें ली, देखो दिखाती हूँ। ये देखो टी, ये वो हैप्पी फ्रूट ना क्या, एंड ये गरम मसाला, एंड ये ना यहाँ का एक जो आयुर्वेदिक वाटर होता है रेड कलर का, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें काफी, तो ब्लड प्यूरिफायर एंड ऑल ऑफ इट, तो ये ले लिया। एंड तेज पत्ता, सो सब नेचुरल नेचुरल चीजें, ढेर सारा, मुझे तो और लेने का मन था बट लाइक स्टिल आई हैड टू कंट्रोल माय एक्साइटमेंट। ना क्विकली चाय कुछ हल्का फुल्का खाने के ब्रेक पे रुके हैं, टाइम हो रहा है कुछ 12:30 बज रहा होगा है ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये एक जगह पे हम आए हैं और यहाँ पे कुछ चाय और हल्का स्नैक्स खाएंगे, फिर बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत घूमना है, सारी जगह, बहुत सारी जगह घूमनी है अभी हमें। तो ये एक टी स्टेट को दिखाता हुआ बहुत ब्यूटीफुल से जगह पे हमें ये भैया लेकर आए हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं घूमने में। यार ये माउंटेन जो ढका हुआ है और अभी जो यहाँ का वेदर है, तो मैं क्या बताऊँ, इतना अमेजिंग लग रहा है ना, इट्स ब्यूटीफुल, मैं जितना बोलूँ कम है। तो देखिए दिस इज हाउ ब्यूटीफुल सरीन, एकदम शांत सी जगह है, मस्त, देखो इतना खूबसूरत है यार। और ये हमारी टैक्सी उधर खड़ी है। देखिए ये टी स्टेट है बेसिकली, चाय की प्लांटेशन, ऑब्वियसली मेरी फेवरेट जगह तो होगी ही ये चाय की जो शौकीन हूँ। हम ये व्यू पॉइंट था भैया, इस जगह का नाम क्या था जहाँ अभी हम लोग रुके थे, एनी स्पेसिफिक नेम? पेरमगौड़ा। तो यहाँ से हमने, हमें जो ये व्यू पॉइंट आप देख रहे हो, माउंटेन कितना सुंदर सा दिख रहा है, देखो बादलों में कवर्ड, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, डेफिनेटली इट कैप्चर तो बनती है यार। हे पीपल, गेस व्हाट, हम कहाँ आए हैं? सो हम आए हैं बनासुरा सागर डैम, एंड मस्त वाली जगह है, अच्छा सा व्यू दिख रहा है। हमने वैन की फैसिलिटी ले ली है बेसिकली बिकॉज इट्स रेनिंग, तो वो नॉमिनल सा दोनों साइड का ना कुछ 25 rupees चार्ज करता है, एंड आराम से हमें एक पूरे एरिया का व्यू भी मिल जाएगा। तो विल जस्ट गो टू द वैन प्लेस, हम लोग वैन ऑन बोर्ड करेंगे। बनासुरा सागर डैम का व्यू, मैं डेफिनेटली यू नो, शायद कैमरा के थ्रू आपको ये बहुत नॉर्मल सा या बेसिक सा लगे देखने में, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज वेदर का तकाजा है या व्हाट एवर इट इज, इतना खूबसूरत ये प्लेस दिख रहा है ना, मतलब आंखों को जो लग रहा है ये जगह, इट्स वेरी ब्यूटिफुल फोक्स। आई डेफिनेटली, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आई एल श्योरली वॉन्ट यू टू ट्राई दिस प्लेस, आप यहाँ आओ घूमो और इस जगह को ज़रूर देखो। आई थिंक दिस प्लेस शुड बी गुड एनफ कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इस बनासुरा सागर डैम का। थोड़ी भीड़ है आज क्योंकि ये सैटरडे है, लोग घूमेंगे ही है ना। ये देखो ये डैम काफ़ी स्ट्रेच पे बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, और उस साइड जो है ना छोटे छोटे पहाड़ थे जो कि अभी बारिश होने की वजह से मिस्ट में छुप गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो बादल उतर आया है, कितना
सो हे एवरीवन, हम अपने रिजॉर्ट वापस आ चुके हैं और जो भैया ने आज हमें पूरा वायनाड घुमाया, मज़े से चार पांच बढ़िया वाले मस्त वाले लोकेशन घुमाए, हम आराम से पीछे बैठ कर रिलैक्स कर रहे थे, घूम रहे थे। तो मैं आपको एक बार उनका दिखाती हूँ। सो दिस वॉज हिज कार विच वॉज वेरी वेल मेंटेन्ड, एकदम मेंटेन्ड था। और ये वो भैया हैं जिन्होंने हमें घुमाया, ही वॉज अ वेरी जेंटल गाय। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया उनके साथ, सारा जगह का घूम के एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया, तो काफ़ी बढ़िया था। थैंक यू भैया। एंड बस यही है, अगर आप वायनाड आते हो और इस जगह पे रुकते हो और आपको चाहिए ऐसी सर्विसेज जो कि आपको ले जाके अराउंड मतलब वायनाड घुमा सके, तो डेफिनेटली भैया वुड बी द बेस्ट पर्सन। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन इनकी डाल दूंगी, अगर आपको कैब सर्विसेज चाहिए यहाँ अमरेजी रिजॉर्ट में रुकोगे या वायनाड में भी फॉर दैट सेक, तो मे बी आप एक बार उनसे ज़रूर चेक कर सकते हो और इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हो, है ना। चलिए, थैंक यू। सो अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट डालिए। अगर इन केस आपके मन में किसी भी तरह की विचार आ रही हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, फॉर श्योर इट्स आवर जॉब, विल हेल्प यू आउट विद दैट, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। एंड देखिए, आई एम लविंग दिस व्यू फ्रॉम दिस प्लेस यार, इट्स अमेजिंग। टेक केयर, बाय बाय। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल हमारे पकौड़ी का नाश्ता लुक्स लाइक जब आप उसे इस नेचर के साथ मिक्स कर देते हो, है ना। एंड ये हमारी मस्त वाली पकौड़ी।